तो भाइयों कुल मिला के आ चुके एक और नए गेम प्ले के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तभी एक बंदा शॉटगन लेके रश कर देता है और मेरे पास कोई भी गन नहीं होती। मैं आ जाता हूँ कंटेनर के ऊपर, मुझे मिल जाती है M16। इसको नॉक एंड फ्रीज देने के बाद इसके बाकी के बंदे आगे वाले कंटेनर पे होते हैं। खैर थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले कंटेनर के पीछे और मेरे सामने वाले कंटेनर पर होते हैं उसके टीममेट। थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद मैं चला जाता हूँ कंटेनर की दूसरी तरफ और तभी मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ उनका एक बंदा कंटेनर के पीछे आ जाता है और तभी मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ। इसी बीच तीन नंबर भाई साहब नॉक हो जाते हैं, तभी बंदा क्लोज आ जाता है और फिर मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ। इससे ये वाला बंदा नॉक तो हो जाता है, जैसे ही ये नॉक होता है मैं सबसे पहले कवर लेता हूँ और फिर तो गाइज ये वाला स्क्वाड भी पूरा फिनिश हो जाता है। मैं अपने टीममेट का रिवाइव देकर जा ही रहा होता हूँ तभी अचानक सिटी वाले बंदे गाड़ी लेकर आ जाते हैं और तभी मैं बोट फायर करता हूँ और आ जाता हूँ रेड वाले कंटेनर के पीछे। तभी उनका एक टीममेट राइट साइड से आ रहा होता है। इसको नॉक देने के बाद इसके बाकी बंदे मेरे पे रश कर देते हैं और यहाँ से शुरू होती है तबाही। इसको नॉक एंड फिनिश देने के बाद मेरे आगे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों बंदे आ जाते हैं। तो फाइनली गाइज ये बेहतरीन सा 1v4 क्लच कर देते हैं। इस क्लच के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये एकदम फ्री है। तो गाइज गाड़ी लेकर हम आ जाते हैं हिल पर। यहाँ पर एक स्क्वाड आपस में फाइट कर रही होती है, तभी मेरा टीममेट मार्क करता है और मैं चला जाता हूँ आगे की तरफ। मुझे एक बंदा दिख जाता है, इसको मैं M4 का फायर भी देता हूँ लेकिन ये तुरंत कवर में चला जाता है। मैं सोचता हूँ रोटेशन लेने का, सबसे पहले मैं करता हूँ ग्रेनेड और तभी उसका एक और टीममेट बग्गी लेके आ जाता है। बग्गी वाले को बैरल का स्प्रे देता हूँ और फिर मैं करने की सोचता हूँ ग्रेनेड। सबसे पहले तो मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, थोड़ा कुक करता हूँ और फिर फेंकता हूँ। इससे ये वाला बंदा नॉक हो जाता है, फिर मैं चला जाता हूँ इसको फिनिश करने के लिए। इसको पूरा फिनिश करने के बाद इसका एक और टीममेट पत्थर के पीछे होता है। मुझे कहीं ना कहीं डर होता है ये बंदा पेड़ के पीछे ना हो। तभी टीममेट और उस बंदे के बीच फाइट हो जाती है और टीममेट नॉक हो जाता है, फिर वो बंदा आगे आ ही रहा होता है। इन दोनों को फिनिश देने के बाद इनके बाकी बंदे कहीं और होते हैं। खैर यहाँ से हम जा ही रहे होते हैं, एक और गाड़ी आ जाती है। सबसे पहले तो मैं गाड़ी को लेता हूँ कवर में। तभी एक बंदा दीवार से जंप करके आ ही रहा होता है, उसको भर देता हूँ MK14 और तभी इसका सेकेंड टीममेट भी आ जाता है।
awesome.